हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब है सहरी का वक्त, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि हम सहरी में क्या क्या खाते हैं। तो ये छोटा सा एक क्लिप मैंने शूट किया। तो सहरी करने के बाद हम नमाज वमाज पढ़ के सो गए, और ये है 2 बजे का टाइम, आई थिंक 1 or 2:30। तो वी आर मेकिंग स्प्रिंग रोल्स, सो हियर वी आर श्रेडिंग चिकन। तो चिकन आप अच्छे से श्रेड कर लें, और उसके बाद बहुत टाइम लग रहा था तो वी वर लाइक लेट्स जस्ट चॉप इट। और क्योंकि हमें लाइक श्रेड बहुत छोटे छोटे पीसेस चाहिए थे अपने स्प्रिंग रोल्स में, इसलिए हम इसको इस तरह बहुत बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। और चिकन हमारे सब श्रेड हो गए और कट भी हो गया अच्छे से। और उसके बाद मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, हम डालेंगे इसमें कैबेज, चॉप कैरेट और चिकन, सोया सॉस, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट। सो ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई थिंक सबके घर में हैं। और ये हैं स्प्रिंग रोल्स, जिसको जो फिलिंग है हम इसमें रोल करेंगे। तो एक पैन में आप ऑयल डाल लें अच्छे से, और उसके बाद ग्रीन चिली डाल दें अच्छे से, और ग्रीन चिली को अच्छे से फ्राई कर लें। फिर उसके बाद आप अपने कैरेट्स डाल दें। कैरेट्स डालने के बाद कैरेट्स को भी अच्छे से मिक्स करें। हमें बहुत पकाना नहीं है अपने वेजीज को, बिकॉज वी वॉन्ट द क्रंच व्हेन वी ईट आवर स्प्रिंग रोल्स। तो बस ये डाल दें। फिर अपने कैबेज डाल दें। आप कैबेज अच्छे से मिक्स करें उसी चीज़ में। बहुत मैंने कम ऑयल डाला था, आपने देखा था, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट इट टू बी टू ऑयली। क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो तब भी बहुत ऑयली होता है, और फिर जब और ये यू नो फिलिंग भी अगर ऑयली होगी तो बहुत दिल ख़राब हो जाता है। तो अच्छे से उसको सॉटे कर दें। तो फिर इसके बाद आप अच्छे से अपना चिकन डाल दें, और बहुत ही अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि पूरे चिकन को हर जगह हर एक कैबेज और कैरेट के फिल्म में मिक्स कर दें, बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। तो जब अच्छे से जो मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको डालना है सोया सॉस। तो आप सोया सॉस भी डाल दें अपने फिलिंग के हिसाब से। हमारा कैबेज और जो उसका फिलिंग था, तो उसके हिसाब से हमने 3 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस डाल दें, और नमक हसबे जायका जैसे आपको पसंद है। कुछ लोग को टेस्ट पसंद है, कुछ को कम। और फिर उसके बाद आप डाल दें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद अच्छे से इन सब को मिक्स करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक जगह, जैसे कि कैबेज है हर एक चीज़ में अच्छे से वो कवर हो जाए। और फिर उसमें आप डाल दें 1 or 2 tablespoons ऑफ कोरिएंडर पाउडर, बिकॉज़ वी लव कोरिएंडर पाउडर बहुत ज़्यादा। मतलब हमें हर चीज़ में कोरिएंडर पाउडर चाहिए होता है, बहुत पसंद है हमें। जो रोल्स के पैकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब जो आटा वाला जो सॉस टाइप होता है, लिक्विड जो होता है, उसको बनाने के लिए आप 1 या 2 टेबलस्पून ऑफ आटा डाल दें, और अच्छे से पानी डाल दें जितना आपको चाहिए कि एक अच्छा सा लिक्विड हो जाए। तो प्रॉपर अच्छे से लिक्विड बना लें। तो बस अब हम अपने फिलिंग्स को रोल में डालेंगे और अच्छे से उनको रोल करेंगे, क्योंकि हमें बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। तो आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा ये लोग इफ्तार के टाइम खाएंगे। नहीं, हम इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे इफ्तार के टाइम, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, सो दैट वी कैन फ्रीज इट एंड वी कैन यूज़ इट फॉर सम अदर टाइम। तो ज़्यादा ज़्यादा हम इसलिए बनाते हैं कि हर दिन बार बार अगर हमें बनाना हो तो हम अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। तो हम ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इनको फ्रीज़ कर देते हैं, और जब भी हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो अब देखें, अच्छे से आप इनको रोल करें और इसके ऊपर एक शीट डाल दें, और शीट डालने के बाद आप वापस से डाल दें और इनको फ्रीज़ कर दें 1-2 hours के लिए। इसलिए हमने ये रोल्स वगैरह बनाना बहुत जल्दी शुरू किया। तो हम क्योंकि इनको फिर एक जो थैलियाँ होती हैं या प्लास्टिक बैग आप कह लें, उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो या हमारी फिलिंग हो गई ख़त्म, और जितने रोल्स बनने थे वो बन गए, और बहुत थोड़े ही क्या कहते हैं रोल्स बचे हुए थे। तो अब हम बना रहे हैं चिकन कीमा। तो चिकन कीमा को अपने हिसाब से इसमें ऑयल डाल दें, और ऑयल डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट जब बन जाए तो अपना जो कीमा है उसको डाल दें, और उसको डालने के बाद आप चिकन फ्लेक्स भी डाल दें जो मैंने
आप देख सकते हैं शूट नहीं किया है, बट इसमें है, हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते तो हमने अपने हिसाब से ज़्यादा स्पाइसी डाल दिया। तो अब हम डालेंगे टू टू थ्री टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर डालने के बाद आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल दें, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर हमें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद आप डाल दें इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालते तो बहुत ही कम आप इसमें हल्दी डाल दें। और इन सबको डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें सॉल्ट भी डाल दें, अगर मैंने बोलना भूल गई हूँ तो, या सॉल्ट डाल रहा है। और उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, लेकिन उसमें मैंने चॉप्ड अनियंस डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने पीस हैं मटर भी डाल दिए थे, मटर फ्रोज़न थे मैंने बॉयल करके डाल दिए थे। तो या अब हम बना रहे हैं पैटीज़, मतलब समोसे की शेप दे रहे हैं समोसा को। तो या आई एम जस्ट फिलिंग द फिलिंग एंड देन आई एम जस्ट गोना लाइक फ्लिप इट एंड मेक द समोसा। तो मेरी बहन भी आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए, बिकॉज़ आई टोल्ड हर टू कम एंड जॉइन मी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा समोसे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको बनाने में। तो शी केम एंड शी इज़ हियर एंड शी इज़ हेल्पिंग मी। पहले तो उसको बनाना ही नहीं आता था, समोसा शेप कर देना ही नहीं आता था, तो पहले मैंने उसको सिखाया और फिर हमने बनाया, और तब वो हम लोग हंस भी रहे थे क्योंकि बहुत फनी हो गया था, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मेक। बस हम अब बना रहे हैं चीज़ रोल्स, जो स्प्रिंग रोल्स की शीट लेफ्ट ओवर थी उनको हम इक्वली कट कर रहे हैं, बिकॉज हमें छोटे छोटे रोल्स चाहिए इसके लिए। दे आर चीज़ रोल्स बहुत ही यमी होते हैं, एंड यू नो इसका जो ऊपर जो हम इस पर सिरप डालते हैं वो हनी होता है, तो बहुत अच्छे से बहुत ही लाइक ईजी और क्विक एंड बहुत ही यमी स्वीट डिश है। आप लोग भी इसे ट्राई करें और बताएं मुझे आप लोग को कैसा लगा। आई थिंक कुछ लोग बनाते भी हैं, तो या लेट मी नो। तो हमने इतने सारे वो जो स्प्रिंग रोल्स और वो बनाए थे वो फ्रोज करके ऐसे थैली में डाल दिए हैं। तो अब हम बना रहे हैं इफ्तारी, तो वी आर जस्ट फ्राइंग द चीज स्प्रिंग रोल्स एंड देन वी विल फ्राई द समोसाज एंड एवरीथिंग जो हर एक घर में बनता है। बट आई ओनली शॉट द चीज़ रोल्स एंड द स्प्रिंग रोल्स, समोसा वो सब ऑल्सो माई मोम वॉन्टेड टू मेक फालूदा। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं रू अफ़ज़ा, और अगर आपके पास रू अफ़ज़ा नहीं है तो आप जामिश्री भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद वो जो रू अफ़ज़ा में जो नूडल्स टाइप होते हैं ना, आई मीन फालूदा में जो नूडल्स टाइप होते हैं वो, और तख मलंगे जो बोलते हैं इसे, वो भी आप डाल दें अपने हिसाब से। थोड़ा ज़्यादा डालना, हमने यहाँ पे थोड़ा कम डाल दिया था, बट बाद में हमने अपने हिसाब से ज़्यादा डाल दिया था। फिर आप इसमें डालें थोड़ा सा दूध, और हर एक ग्लास में दूध डालने हैं हम। और दूध डालने के बाद उसमें आप डाल दें जेली, अच्छे से मिक्स भी कर दें, फिर डाल दें जेली एंड आइस, बिकॉज यू वांटेड टू हैव इट कोल्ड, आइस भी डाल दें और फिर जेली भी डाल दें ऊपर से। हमने घर में ही जेली बनाई थी, लाइक अलग अलग कलर्स की जेली थी, वो भी हम अच्छे से डाल देंगे उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर आप डाल दें कंडेंस मिल्क टू हैव मोर अमेजिंग फ्लेवर। गाइज़ ये है हमारी पहली इफ्तार, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। हैं आप देख सकते हैं, ये है चाट जो हमने बनाई थी लेकिन शूट नहीं की, एंड ग्रीन चटनी बिकॉज वी लव इट, दीज आर द चीज़ रोल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एंड देवर ब्लैक चना और पकोड़े और वो जो आलू वाली भुजिया टाइप्स कहते हैं आप, जो भी कहते हैं वो। सो या गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, इफ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।